ये बहुत अहम बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बी से जाहिर करते हैं, यूनिट टेस्ला भी होता है, वेब पर मीटर स्क्वायर भी होता है, इसकी डायमेंशन है एम टी माइनस टू ए माइनस वन। अब एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसी बी की जब डॉट प्रोडक्ट एरिया से ले लेते हैं तो देखो जाहिर सी बात है एरिया का मतलब है मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना वेब पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर कट जाता है। खाली वेपर यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, डायमेंशन क्या होगी? देखो वही जो बी की है बस एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर एक क्या लाती है परमिटिविटी, परमिएबिलिटी न्यू नॉट, ये क्या होती है वेपर पर मीटर, यानी वेपर को मीटर से डिवाइड कर दो। दूसरे लफ्जों में वेपर के वक्त डायमेंशन क्या थी? एम टी माइनस टू ए माइनस वन एल स्क्वायर, इसको एल से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगी न्यू नॉट परमिएबिलिटी की डायमेंशन एम टी माइनस टू ए माइनस वन। एल स्क्वायर था मैग्नेटिक फ्लक्स में तो इसमें खाली क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। ये बहुत अहम है, इसको ध्यान में रखना।